हाँ मंजिल आ गई है, हम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब है। वो देखो हो रही हमारी धरती। हे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने घर वापस लाने के लिए। 15 मार्च 1493 को हमारा जहाज पैलोस वापस पहुंचा 225 दिनों के बाद। मैंने साबित कर दिया कि मेरा लिखा हुआ अध्ययन एकदम सही था। ध्यान रखना अपना। महसूस होगी बेटा। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। जल्दी मिलूंगा डिएगो। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। शुभ यात्रा। सभी लोग तैयार हो जाओ, बस हम पहुंचने वाले हैं। आगे कुछ है, लगता है पानी में कोई बड़ा सा लकड़ा फंसा हुआ है। हाँ? देखो उधर, कोई तुम्हें दूसरा जहाज दिख रहा है? नहीं सर, सिर्फ पानी है वहाँ पे, पानी और शिप का टूटा हुआ हिस्सा है। आखिर हुआ क्या है? लगता है तूफान आया है। तूफान या समुद्री शैतान? अच्छा, लगता है ये पानी बहुत खतरनाक है, हमें संभल कर रहना चाहिए। आठ अक्टूबर 1492 को हमें लगा कि हमारी आखिरी मंजिल गुमेरा टापू, जो हमसे सिर्फ 20 दिन दूर है, उसका नामो निशान भी हमारे आसपास नहीं था। नक्शे पर समुद्र का वो हिस्सा जो बिल्कुल खाली था, वो हमारी समझ से बिल्कुल परे हो चुका था। मेरी प्यारी बिल्ली क्या लाई है? मेरे करीब आओ मेरी शैतान बिल्ली, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करती हो, तुम बहुत ही प्यारी हो। कैप्टन, पेंटा सिग्नल से आगे निकल गया है और वो तट पर पहुंचने वाला है। क्या? क्या खबर है कैप्टन पिंजोन? हमने कर दिखाया कैप्टन कोलंबस।
बहुत बढ़िया। जमीन कैप्टन, हमने जमीन को ढूंढ लिया है, वो वहाँ पर। धरती, मैंने क्या कहा था तुमसे? इसका श्रेय हमारे कप्तान को जाता है। तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तुम सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सूरज भी निकल गया है, लेकिन अब तक हमें जमीन नहीं मिली है। लगता है हमें यही घूमना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो हो सकता है हमें सिर्फ बादलों के अलावा कुछ ना दिखे। मेरे अनुमान के मुताबिक हम लोगों को अब तक वहां पर होना चाहिए था। और जो कुछ भी हमने कल देखा था वो क्या था? सिर्फ एक भ्रम? वो मेरा भ्रम नहीं था मार्टिन, मेरा अनुमान गलत नहीं होता है। इसका मतलब शायद रात को हम उसे पार कर गए हों, हमें इसका अनुमान ना हो। लगता है पानी में यूं ही घूमना पड़ेगा हमें, इससे अच्छा तो हम वापस लौट जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई धरती दिखाई नहीं दे रही। हम अपने जान को यूं खतरे में डाल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कैप्टन के क्वार्टर पे चलते हैं। मुझे डर है कि कहीं हमारे बीच बगावत न हो जाए। कैप्टन, हमारे लोग बहुत ही परेशान हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब है, हमें कुछ करना ही होगा। मुझे मालूम है। कैप्टन, आप बाहर आइए। आखिर ये लोग फिर से आ गए, लगता मुसीबत फिर से आन पड़ी है। तुम लोगों को कैप्टन से क्या परेशानी है? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? हमें रिपोर्ट करना है जल्द से जल्द। बिल्कुल सही, बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे सुने। आपकी बात को सुनकर कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें मुसीबत में नहीं फंसना है। देखिए, शांत हो जाइए आप सब। वो सही कह रहा है, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जमीन नहीं है। क्या तुम सब लोग अपने काम को यहीं छोड़ना चाहते हो या फिर मंजिल तक पहुँचना चाहोगे? क्या इरादा है तुम्हारा? किसे परवाह है, मेरे पास तुम लोगों से काम कराने के सारे अधिकार हैं। फिर भी मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, 3 दिन और। 3 दिन और? मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, अगर आने वाले 3 दिनों में हमें धरती नहीं दिखाई दी तो अगली सुबह यानी के 4th दिन पर हम लोग जैसा कि तुम लोग चाहते हो, हम लोग अपने घरों की ओर वापस चल देंगे। कोई और कुछ कहना चाहेगा? तुम जबान दे रहे हो? पक्का वादा? फिर हमें मंजूर है। ठीक है दोस्तों, तो अब वक्त आ चुका है कि तुम सब लोग अपने पूरे दिल और दिमाग से अपनी पूरी मेहनत से काम पर लग जाओ, और आने वाले 3 दिनों में हम उस सुनहरी धरती पर होंगे। ऊपर वाले, मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोगों के सपने साकार हों। मैं किसी भी कीमत पर यहां से वापस लौटना नहीं चाहता। पिंटा के कैप्टन संकेत भेज रहे हैं। अंधेरे में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बताओ मुझे तुमने क्या देखा? वो थोड़ी दूर पर है, तुम भी उसे देख पाओगे जब चांद बादलों से बाहर आएगा।
शुक्रिया ऊपर वाले, हम सही थे कैप्टन, हम लोगों ने वहाँ पर आग ही देखी थी। मुझे खुशी है कि आप हमारे कप्तान हैं, आपने पहले उसे देखा। जो ऊपर वाले की इच्छा थी। सब लोग तैयार रहो, शायद हम जल्द पहुँचेंगे। जैसे ही सूरज निकलेगा हम सब कुछ देख कर ही आगे बढ़ेंगे। कप्तान, इतनी खूबसूरत जमीन, श्वास नहीं होता। जन्नत। शुक्रिया ऊपर वाले, हम लोगों को इतने जोखिम भरे रास्ते से सुरक्षित यहाँ पहुंचाने के लिए। हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं। ऊपर वाले शुक्रिया। ठीक है, ये धरती अब स्पेन की धरती होगी। नोटरी आ गया हो। आपकी शाही महारानी इसबेला और आपके शाही महाराज राजा फर्डिनेंड, हमने उस यशस्वी मिशन को आज पूरा कर लिया जो आपने अपनी बुद्धिमता से सौंपा था, और आज से हम इस धरती पर कब्जा कर रहे हैं जिसे हम सेंट सेल्वेडर कह के पुकारेंगे। हमारे अन्नदाता के नाम पर मैं डॉन क्रिस्टोफर कोलंबस अक्टूबर 11 सन 1492 में इस बात का दावा पेश करता हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, हम लोगों को इतने जोखिम भरे रास्ते से सुरक्षित यहाँ पहुंचाने के लिए। बहुत सौभाग्य की बात है ऐतिहासिक दिन के लिए। तहे दिल से शुक्रिया तुम दोनों का मार्टिन और रिंचेट, तुम लोगों की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। मुबारक हो एडमिरल, तुमने स्पेन का नाम ऊंचा कर दिया और तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगी इससे। शुक्रिया क्रिस्टोफर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से मुबारकबाद देता हूँ। हमें माफ कर दो तुम पर शक करने के लिए, अब हमें यकीन हो गया कि आप हर वक्त चाहिए थे कप्तान। ये काफी है जवानों, ये वक्त गिले शिकवे का नहीं, मन मुटाव भुलाने का है। दोस्तों भुला दो और उस दयालु भगवान का शुक्रिया करो जो हमारा रखवाला है, जो हमें सेंट सेल्वेडर तक लेकर आया। हाँ सेंचेज, सेंट सेल्वेडर अब इस नाम से धरती जानी जाएगी, समझ गए? नोटरी इसे लिखो, ये धरती सेंट सेल्वेडर के नाम से जानी जाएगी। सेंट सेल्वेडर। कप्तान वो देखो कोई आ रहा है। शांत हो जाओ, वो बिना हथियार के है और अकेला है, करेगा भी तो क्या। तौरस इधर आओ और उससे बात करने की कोशिश करो। अनानु अत्यान्य, हम शांति के लिए आए हैं, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अनानु चुप बे चलम। हाँ? आना अचो बो शेलो छो शालो शेलोन। वो समझ नहीं रहा, सिर्फ नकल कर रहा है। तुम व्यापार का सामान दिखाओ।
तुम्हें ये पसंद आया? ये हैट है ऐसे इसको लिखो हम शांति के लिए आए हैं। इसका मतलब ये पक्षी हमारी जासूसी कर रहा है। इसे छोड़ दो दोस्त, मुझे जरूरत है इसकी। मैं समुद्री सफर करता हूँ। अरे सुनो सावधान, ये हमारी रानी ने मुझे दी थी। रानी ने? कोई आओ यहाँ पर, इस आदमी के हाथ में चोट लग गई है। क्या यह मुमकिन है कि इन्होंने पहले कभी तलवार न देखी हो? इन बेवकूफ लोगों पे तो हम नींद में भी कब्जा कर लेंगे। हम जबरन यहाँ किसी से कुछ जीतने नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें जरूरत है प्यार, ऊपर वाले के प्यार की, जिसकी वजह से इन्हें खुशी मिल सके और सूझबूझ की शक्ति भी। सैन सेल्वेडर! ये सैन सेल्वेडर का टॉप आलीशान खूबसूरती से भरा पड़ा है। पूरी धरती हरियाली से भरी हुई है। यहाँ के लोग बच्चों की तरह मासूम है और हम धीरे धीरे उनके साथ विश्वसनीय दोस्ती का रिश्ता बना रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये कौन है, चिपेंगो। अगले दिन हम सुबह इस टापू की दूसरी ओर उनके गांव में गए। माफ करें, इतना ही था, सब खत्म हो गया। वो बदले में हमें सिर्फ रोई दे रहे हैं और तुम इसे सही कह रहे हो। ये कीमती है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर कपास उगाते हैं। क्या मार्को पोलो ने नहीं लिखा था कि शिपांगों में तो घर की छत और दीवारें तक सोने की होती हैं? तो फिर मेरी राय है कि हम उस सोने को ढूंढना शुरू करें जैसा कि हमने राजा और रानी को वादा किया था। हाँ मैं जानता हूँ, पर सही वक्त का इंतजार करो। कप्तान, इसके नाक के गहने को देखें। ये तो असली सोना है, पर ये आया कहाँ से? यहाँ पर एक बड़ा सा टापू है पश्चिम की तरफ। यहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े ब्रेसलेट और सोने की पायलें देखी हैं। तो फिर किसका इंतजार है? चलो चलें। मैं आगे चलता हूँ। कितना वक्त लगा आइलैंड को ढूंढने में, और अब देखो आस पास टापू ही टापू मौजूद है। कौन कह सकता था कि यहाँ पर इतने सारे टापू होंगे? अगर हम एक दूसरे को समझ सकते हैं तो तुम हमें बोल दो। मुझे शक है कि इनको भी नहीं पता है। शायद हमारी आशाएं धीरे धीरे पूरी हो रही थी। अगले टापू का नाम हमने सैंता मारिया दिया। हम कहीं भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग सोने की बात कर रहे हैं, पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मार्टिन, इतने बेचैन मत हो। मैं ही अकेला बेचैन नहीं हो रहा हूँ, पेंटर के नाविक हो रहे हैं। वो तुमसे अलग हो जाएंगे और खुद सोने की तलाश में जाएंगे, और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। देखो मार्टिन, यहाँ के लोगों के हिसाब से एक बड़ा सा टापू है जिसे क्यूबा कहते हैं, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर पश्चिम में है। तुम्हें लगता है वो चिपेंगो है? हम अभी तक नहीं जानते, हम योजना बना रहे हैं वहां जाने की, उसे देखने की। ये तो अच्छी खबर है, ये बात तो पिंटा के लोगों को खुश कर देगी। बस इतना ध्यान देना कि हम क्यूबा वक्त पर पहुंच जाएं। मैं पहले ही देख चुका था कि मार्टिन, एलोंजो, पिंजॉन और उसके आदमी मेरे खिलाफ हो चुके थे और सोने की खोज में खुद निकलना चाहते थे, और मेरी बात को साबित होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सौ से भी ज्यादा दिन गुजर गए थे पहले उसके बंदरगाह से निकले। हमने बहुत से टापू खोजे जिसमें से सबसे बड़ा था क्यूबा, पर हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें कहीं खजाना सोना नहीं मिला था। वहां के रहने वाले बहुत मिलनसार थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि सोने जैसी चीज के बारे में या तो वो नहीं जानते थे या परवाह नहीं करते थे। हम अपने अन्वेषण को जारी किए हुए थे
पर आदमी बेताब हो रहे थे। हवा में सोने की महक से मैं पक्का नहीं कह सकता था कि मैं उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता था। कैप्टन कोलंबस, कैप्टन कोलंबस, एक बुरी खबर है। पिंटा के लोग गायब हो गए हैं पूरी तरह से, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या? गायब हो गए? वो अपने आप निकल गए। आप देखिए, वो ठीक वहीं पर थी। वो मार्टिन पिंजोन है, जरूर उसके पास सोने के बारे में यहाँ के लोगों से ज्यादा मालूमात होगी, इसलिए वो खुद सोने की खोज में निकल गया। कैप्टन एडमिरल, मैंने उसे देखा, वो जहाज के दाहिनी तरफ है, वहाँ उधर। देखो पिंटा हमें छोड़कर जा रही है। सर, हमें मार्टिन पिंजोन को पकड़ करके इस हरकत के लिए सजा देनी चाहिए। अगर हम कोशिश भी करें तो इस पुराने जहाज से पिंटोस को नहीं पकड़ पाएंगे, ये बहुत धीमा है। लेकिन हो सकता है पिंजोन दोबारा सोचे और वापस आ जाए गुटेरियस। बेहतर यही है कि हम इशारे के लिए आग को रात भर जला रखें, जैसे हमें ढूंढ सके। अब देखते हैं। आज हमने राजा और रानी की सरहद में एक और टापू का इजाफा किया और नाम दिया हिस्पैनियोला, स्पेन के सम्मान में। ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए सर, यहाँ के रहने वाले। हाँ, टॉरस, जाओ और पक्का करो और उन बिचौलियों का इस्तेमाल करो। यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करो। जी जी कैप्टन। और अपने साथ बहुत सारे तोहफे भी ले जाओ। बिल्कुल कैप्टन। नाव जल्दी चलाओ। क्या वो हमारी भाषा बोलते होंगे? मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। टॉरिस ने अपने सूझबूझ से, अपनी कोशिशों से यहाँ के कुछ लोगों को स्पेनिश बोलना सिखा दिया है। हो सकता है कि वो हमें बता सके कि यहाँ इस धरती पर सोना मिलने का कोई जरिया है या नहीं। गंगा वो जरूर उनका मुखिया होगा सर। बिल्कुल सही है, हो सकता है कि हम इनसे जल्द कुछ सीख लें। गुटेरियस, खाने की तैयारी करो। जी कैप्टन। कैप्टन, वो हमें समझ गए, हम उनकी कसीक को साथ लेकर आए हैं। उनकी कसीक? यही वो अपने राजा को बुलाते हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम स्पेन से हैं और हमारे भी राजा रानी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता था। हमारे लोगों के हिसाब से वो ये समझते हैं कि हम कहीं आकाश से गिरे हैं। मैं उनका दिमाग नहीं बदल सकता। कि हम आकाश से गिरे हैं? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझे लगता है हमारे लोगों ने ऐसा उनसे कहा होगा, अगर मैं उनके इशारों को सही से पढ़ पा रहा था तो। स्वागत है कैक्सिक स्पेन के राजा और रानी के नाम पर। मैं कप्तान क्रिस्टोफर कोलंबस हूँ। हमारे साथ खाना पसंद करेंगे? आप कुछ लेंगे इसमें से? ये स्पेन का स्वादिष्ट खाना है। mm.
कैप्टन, ये वही बक्कल है पिसे हुए सोने से बना। हाँ वो तो है। अगर आप हमारे साथ चलेंगे ऐसी तो हमारे पास आपके लिए तोहफा है। हाँ मुझे गुच्छा देने की इजाजत दें। ओह इसके लिए शुक्रिया। ये तो मेरा सौभाग्य है, बदले में ये ले लीजिए। टॉरस, मुझे लगता है वो जाना चाहते हैं अपने टापू पर, इन्हें ले जाओ। बिल्कुल कैप्टन। कैप्टन, हमारे दूरभाषियों ने हमें बताया कि यहाँ एक और कसीक है इस टापू पे जो उस नौजवान से भी ज्यादा ताकतवर है जिससे आज हम मिले हैं। वो गुआकाना गारी है। गुआकाना गारी? हाँ, और वो इस नौजवान कसीक से कहीं ज्यादा रही है कैप्टन। उसके अख्तियार में टापू का जो हिस्सा है वहाँ बहुत सोना है और वो भी हमारा स्वागत करेगा। जबकि यहाँ के रहने वाले दूर से ही सोने के गहने से लदे हुए दिख रहे थे। सही कहूँ तो मुझे शक है यहाँ पर भी बहुत सोना है, और अगर ऐसा है तो हमारे पास इनके साथ सोने के बदले व्यापार करने के लिए बीट्स खत्म हो चुके हैं। सैंचेस सही कह रहा है। टॉरेस, हम यहाँ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब तुम्हारे लोग दूसरी जगह जानते हैं जहाँ पर ज्यादा सोना है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें खुले सागर को पार करना होगा। मुझे विश्वास है यही वो टापू है। वो गुआकाना गारी की हद की यहाँ पर बातें कर रहे थे। मेरे लोगों ने बताया इसे शिबाओ कहते हैं। शिबाओ? शिबाओ ये तो सुनने में चिपांगो जैसा है। हाँ, चिपांगो इंडीज का वो देश जहाँ भरपूर सोना है, यही वो देश हो सकता है कैप्टन। कप्तान, मैं कहता हूँ कि मैं शिबाओ के लिए भी निकलना चाहिए। हमारे लोगों के दिमाग में अभी तक बस एक ही ख्याल आ रहा है और वो है सोने का। अगर हम मना करेंगे तो पक्का नहीं हमारे साथ रहेंगे या नहीं। ठीक है, हम उस गुआकाना गोरी को मिलने जाएंगे और देखेंगे कि सोने की कहानी सच है या नहीं। मैं हमेशा की तरह एक बार फिर से उम्मीद करता हूँ कि हमारा सफर सुरक्षित हो। हम सिबाओ के लिए निकल पड़े। वो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हमें बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। बहाव बहुत तेज है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। मैंने बहुत ही तजुर्बेकार लोगों को खास जगह पर लगाया है। कर्मी दल बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन सब जानते थे कि वहां पहुंचने में भी थोड़ी देरी है। तुम इधर आओ। हाँ, क्या हुआ, क्या चाहिए? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, इस पतवार को एक सेकंड के लिए पकड़ लो। नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, बस वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। चलो इधर। अब पतवार को आराम से हिलाओ जिससे कि पोलसार वहीं पर रहे जहाँ पर वो है, समझे? तब तक मैं थोड़ी सी नींद मार लेता हूँ। जाओ।
क्या हो रहा है? मेरी मदद करो, ये पतवार अटक गई है। अरे नहीं, अपनी जगह पे जाओ, ऐसा लगता है पतवार मिट्टी से लड़ गई है। लंगड़ गिराओ और नाव को धीमा करो, जल्दी। कोदा, जिस जगह पर लंगर डाला है वहाँ पर आप चीजों को ध्यान से रखो। नहीं, नीना भी तड़प जाओ, जल्दी अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करो। कोदा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोझा गिराने की सीढ़ी लाओ, जो चीज झाड़ में जरूरी नहीं है उसे नीचे फेंको। ये नीचे जा रही है। ट्रैक पर सारे लोग, ट्रैक पर ऊपर की ओर खींचो, उसे नीचे से काटो जल्दी। कप्तान विंसेंट, यहाँ पर हम मुसीबत में हैं। हमारा जहाज बुरी तरह से टूट रहा है विंसेंट। आप जो कर सकते थे आपने कर दिया। अपने आप को अपने आदमियों के साथ नीरा टापू पर चले जाना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आपने अपनी जिंदगी दांव पर रखकर हमें बचाया है, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए अपने साथियों के साथ। तो ठीक है, लोगों को आदेश दे दो, जहाज छोड़ दो, जहाज छोड़ दो, जहाज छोड़ दो, जहाज छोड़ दो, आदमियों किसी भी तरह नीना की तरफ चले जाओ। मुझे माफ करना कैप्टन। मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी बच्चे, मैं इस जहाज से तब तक नहीं उतरूंगा जब तक सब लोग सुरक्षित ना हो जाएं। यस सर। उससे दूर हटो, जहाज डूब रहा है। एक अच्छी चीज ये है कि अगर वो सुबह तक नहीं डूबी तो हम कल सुबह ही उसे कार्गो तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाले का शुक्रिया कि जिस वक्त ये सब हादसा हुआ हम इस धरती के नजदीक ही थे। लेकिन कप्तान, इसे बहुत वक्त लगेगा, हमारे पास इसके लिए कुछ और नाव नहीं बची हैं। सच है, पर हम गुआकाना गेरी से मदद के लिए कहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी मदद करेंगे। करेंगे पर कैसे मदद करेंगे, यहाँ के रहने वाले तो एकदम जंगली हैं। उनके पास उन्हें खोद कर निकालने वाले सामान हैं, वो काम के लिए अच्छे होंगे, हम उनसे उधार लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। तो ठीक है, अब गुटियारस, एरेना, टॉरेस, वहां जाओ और बात को पक्का करो। यहाँ के लोगों से कार्गो तक पहुंचाने के लिए कहो। हम फौरन निकलते हैं कैप्टन। सेनियर सैंचेस, हम वापस आ गए। कप्तान, टॉरेस वापस आ गया है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं। सच में? वहां पर देखो, लगता है आपका सुझाव काम कर गया। गुआकनगारी ने मदद की कप्तान, उसने सेंटा मारिया को खाली करने के लिए जितने लोग भेज सकता था भेज दिए। वो बहुत ही दोस्ताना मिजाज का मालूम होता है सर। विशेक, नाव को नीचे करो, मैं सेंटा मारिया पर जाऊंगा और अपनी निगरानी में जहाज को खाली करवाऊंगा, तब तक तुम यहाँ संभालो।
अभी करता हूँ कप्तान। नाव को नीचा करो, नाविको अभी के अभी हम सांता मारिया को खाली करेंगे। वकन गारी ने तीनों झोपड़ियां हमारे लिए दी हैं। इसमें हम सब आराम से रह पाएंगे सर। यहाँ तक के झोपड़ियां भी हैं। उसकी उदारता का क्या कहना। वो क्या है? वो इसे हैमिक कहते हैं। आप इसमें सो सकते हैं, आपको बड़ा आराम महसूस होगा। आदिम लोगों के लिए ये लोग मुझे काफी सुलझे हुए लगते हैं। ज्यादातर मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आदमी भी इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। जरा इसे देखो, पूरे सोने का, किसी छोटे से मनके के बदले में हम सही जगह पर आए हैं। यहाँ इंडीज में बहुत रईसी है, क्या ये खूबसूरत नहीं है? लेकिन कोलंबस ने सख्त आदेश दिए हैं कि यहाँ के लोगों से सोना नहीं लेना। अगर तुम इसके साथ पकड़े गए तो वो बहुत गुस्सा होगा। तो मैं इसके साथ नहीं पकड़ा जाऊँगा। तुम तो उसको नहीं बताओगे ना? क्या बताओगे? और तुम शर्त लगा लो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारा सोना है। ये रही आपकी वर्दी। आपको गुआनाकारी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप इसमें एकदम शाही लगेंगे। वैसे गुआनाकारा की रॉयल्टी उसके लोगों में है और उसने हमें राजा की तरह सत्कार दिया है। जरा सुनिए, गुआनाकारी आ गए हैं कैप्टन। आ चुके हैं? आपका स्वागत है सरदार। मैं कप्तान क्रिस्टोफर कोलंबस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉरस अम्बुम बम बड़ाकुम। ये कह रहे हैं कि इनको आपके जहाज का बहुत दुख है और ये जितनी मदद हो सके करेंगे। मुझे लगता है मैंने सही कहा सर। आपने हमारी मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, ये लीजिए। लाइए, मुझे मदद करने का मौका दीजिए। ये आपके लिए दस्ताने। उन्होंने शुक्रिया कहा और पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ खाना खाएंगे। उनके साथ खाना खाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इतना अच्छा स्वाद है, बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना मिला है। आप भी लो थोड़ा सा, बहुत अच्छा है। टॉरस, हमारी बंदूकों में इनकी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। उनसे कहो कि हम इन बंदूकों को उनके लिए चलाकर दिखाएंगे। जैसा आपका आदेश कैप्टन। माफी चाहूंगा अगर हमने किसी को डरा दिया हो। अगर ऐसे हथियार आपके पास हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं किसी भी दुश्मन से। ए मानी, ए लो ओडियाओ। लेकिन कप्तान, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो बताएं कि स्पेन आप क्यों जाना चाहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि सोना यहाँ है, हालांकि हम ये नहीं जानते कि कितना है। लेकिन हम नाविक हैं, ना कि लुटेरे। लेकिन हम व्यापारी हैं, लुटेरे नहीं। हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो जहाज बनाने में हमारी मदद करें। हम यहीं पर अपने सोने की खोज खत्म नहीं कर सकते। पर क्या हम सब इस पर वापस जा सकते हैं? नहीं, पर मैं ये चाहता हूँ कि हम में से आधे लोग यहाँ रुके और हमारे लिए गांव तैयार करें। हम सेंटा मारिया की लकड़ियों का इस्तेमाल करके किला बनाएंगे और उसे बंदूकों से सजाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। एडमिरल, जो यहाँ रुकेंगे मैं उनके साथ रुकूंगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ सोना है और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे हाथ में सोना नहीं होता। मैं भी यहीं पे रुकूंगा कैप्टन, अनुशासन बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छे, मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों की मदद हमें जरूर मिलेगी और हम अपने लिए एक सुरक्षित किला बनाने में कामयाब होंगे। आ जा 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 आ
एक बार किले का काम पूरा हो जाए तो सबसे अहम काम मार्टिन पिंजोन को ढूंढने का होगा, जिससे हमारे साथ स्पेन वापस चल सके। अलविदा दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने आप लोगों के साथ। फिर दोबारा कभी मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे जरूर जाएंगे। अगर हमारा वापसी का समुद्री सफर स्पेन तक आराम से गया जैसा कि पश्चिमी रास्ते से गया था, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत ही कम वक्त में और मजबूती के साथ यहाँ वापस लौटूंगा। और तब तक तुम मेरी गैर मौजूदगी में नेविडेड के महल का कार्यभार संभालना, तुम नेतृत्व करना है रहना। मैं सब समझ गया एडमिरल। राजा और रानी के मुख्य सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा एडमिरल। और तुम गुटियरेस, और तुम भी एस्कोबाडो, मेरे जाने के बाद तुम इस नई धरती पर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगे। तुम लोगों को मैं यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरा भरोसा कायम रखना। मुझे भरोसा है कि तुमसे कोई गलती नहीं होगी। भरोसा रखिए एडमिरल, आप जब दोबारा इस टापू पर कदम रखेंगे तो देखेंगे सारे बैरल सोलन से भरे मिलेंगे, और ये मेरा आपसे वादा है सर। एडमिरल, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे अन्नदाता को इस बारे में जरूर बताएं कि हमने यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या जतन किए। खैर, मैं इस बात को मानने से नफरत करता हूँ, पर मेरे अंदर कप्तान के लिए आदर पैदा हो गया है और मैंने तय कर लिया कि मैं उनके साथ जाऊंगा। मुझे लगता है तुम पागल हो गए, पर मुझे यकीन है जब तुम वापस लौटोगे तो सोने से भरा बैरल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम देखना। एडमिरल, हाँ, हमें अभी अभी कप्तान पिंजोन की खबर मिली है। सच में है? मुझे बताओ टॉरस, वो क्या है? वैसे जाहिर तौर पर गुआकानागारी के एक आदमी ने पिंटा को पूरब की तरफ निकलते हुए देखा था 2 दिन पहले। लगता है वो स्पेन के लिए निकल गया है इस उम्मीद से कि वो हमसे पहले वहाँ पहुँच कर सिपाहियों की खोज का दावा अपने नाम कर ले। ये पिंजोन ऐसा ही है। हाँ, और अगर हम उसे पकड़ना है हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकलना चाहिए। चार जनवरी सन 1493 है, हम स्पेनियोला के टापू से निकल पड़े। कप्तान, हाँ? मैं कप्तान पिंजोन के मामले में अपनी राय आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल की नवंबर 21 से 40 दिनों तक उन्होंने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है। मुझे यकीन है कि ये नियमों की अनदेखी करना है और इस मामले को हमें सख्ती से निपटना होगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया सैंचेस, लेकिन मार्टिन को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। अच्छी खबर है कप्तान कोलंबस, हमने पिंटा का पता लगा लिया। कहाँ है वो? वो रही जहाज के दाहिने पहले धनुष के उस तरफ, और मैं कह रहा हूँ वो सीधी हमारी तरफ आ रही है सैंचेस। तो वो भाग कर दूर नहीं जा रहे? हम ये आराम से चलेंगे विंचेड, नाव को भेजो और कप्तान पिंजोन को इत्तला करो कि हम चाहते हैं कि वो हमसे आकर मिले। बहुत बढ़िया कप्तान, मुझे खुशी हो रही है जानकर कि मेरा भाई सुरक्षित है। कप्तान, मुझे अभी अभी पता चला है कि सांता मारिया भंवर में फंस गया है, क्या यह सच है? आपके पास भंवर के बारे में बात करने का दिमाग है? और आप उस बारे में क्या कहेंगे जो आपने जानबूझकर नियम तोड़े हैं? कुछ नहीं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, न जानबूझकर न अनजाने में। क्या मतलब इस बात का? पिंटा भी अनहोनी का शिकार बन गया था, तुम्हें पता है बहाव बहुत तेज था, हमारे लंगर की रस्सी टूट गई थी, बहाव हमें अपने साथ खींच कर दूर तक ले गया, इसीलिए हम वापस नहीं आ पाए। मार्टिन, आपने बहुत ही दमदार जवाब दिया है हमें, लेकिन मैं अभी भी असमंजस में हूँ कि आपने फिर इतना सोना कहाँ से ढूंढ निकाला।
ओ ये तो कुछ भी नहीं है कप्तान, ये तो बस थोड़े से हैं। मेरे आदमियों के पास इससे भी कहीं ज्यादा सोना है। सुनकर अच्छा लगा, पर मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि आदेश के उल्लंघन की बात को तुम कैसे साबित करोगे। मैं दिल से माफी मांगता हूँ, वो चीजें वैसे ही हुई जैसा कि मैंने आपको बताया, पर एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये सब काम मैं अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा था और न ही किसी तरह के मुनाफे के लिए। सोना खोजना बहुत जरूरी था राजा और रानी को दिए गए हमारे वादे को पूरा करने के लिए, और मैंने अपने आदमियों से भी वादा किया था कि मैं उन सबको उनके घर इतनी दौलत देकर भेजूंगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं उनको निराश कैसे कर सकता था, आखिरकार उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया था। सोने की खोज करना हमारे लिए बड़ी कामयाबी है कप्तान। मार्टिन, तुम्हारा ये जवाब तुम्हारी सच्चाई को बयान करता है, तुमने तकरीबन मुझे समझा दिया, बाकी हम ये जाकर स्पेन में समझाएंगे। तुम अब से मेरे आदेश का पालन करोगे और अब किसी भी हालात में तुम खुद किसी भी चीज का फैसला नहीं लोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस आदेश को जरूर मानोगे। वो रही हमारी विजय पताका। हमारी जीत को सलामी दो। फायर। जहाज लौट के आ गया। सुनो सब लोग, मेरे पास अच्छी खबर है, क्रिस्टोफर और सब लोग वापस आ गए हैं। क्रिस्टोफर और सब लोग वापस आ गए हैं। सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है। आप सबको देख के बहुत खुशी हुई। जल्दी आइए अपनी जमीन पर। ये लोग सेंट मारिया और पिंटा की जगह इस जहाज पे। सेंटा मारिया मेरे पिताजी का जहाज है, वो लोग अब तक क्यों नहीं आए? पिताजी आप आ गए। मैं उन्हें बुलाता हूँ। पिताजी यहाँ देखिए, मैंने आपको बहुत याद किया। डियागो मेरे बेटे, तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ पिताजी, आपको देखकर अच्छा लग रहा है। हे डियागो, अपने डैड से जाकर तट पर मिलो। हाँ। देखो कितने महीनों बाद तुम्हारे पिताजी वापस आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है उन्हें वापस आते देखकर। कैप्टन कोलंबस कहाँ है? वो एडमिरल बन गया है अभी। देखो जरा, ये तो वो जहाज नहीं है। मेरे पति उसी जहाज में थे। फिकर मत करो, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है और ये वक्त है ऐतिहासिक उत्सव मनाने का। ये शुभ घड़ी का मैं बेसब्री से इंतजार था। एडमिरल कोलंबस। जी आप आ गए। कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपको हाथ में जानू पिताजी। पिताजी स्वागत है आपका। डियागो आपकी बहुत याद आई। डियागो मेरे बेटे, मैंने जो तुमसे वादा किया था उसे पूरा किया। आपको सच में इंडीज मिल गया? मुझे पूरा भरोसा था। हाँ मेरे बेटे, मैं बहुत खुश नसीब रहा। हेलो फादर। मुबारक हो क्रिस्टोफर। बहुत बहुत शुक्रिया फादर, आपकी मदद के कारण ही ये सफर सफल रहा। अरे नहीं, ये तो ऊपर वाला है जिसने तुम्हारी मदद की क्रिस्टोफर।
हे परमपिता परमेश्वर, ये आपकी ही कृपा है कि हमारे नाविक सही सलामत वापस लौट कर आ गए हैं और उन्होंने देश के नाम को ऊंचा किया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही देश का नाम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। रास्ते में तूफान है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैंने इतना साफ आसमान पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आप बिल्कुल सही हैं सर। बिल्कुल, पश्चिम आसमान में बिजली चमकने का एक ही मतलब होता है और वो है गंदा मौसम। ये तूफान आने का संकेत है। सारे लोग तूफान के लिए तैयार हो जाओ। जितना हो सके अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सब काम करो दोस्तों। अग्निवीर कोलंबस, बुरी खबर है, हमारी नजर पिंटा को बिल्कुल नहीं देख पा रही। अब हम कुछ नहीं कर सकते, स्टैंड लाइट को जलता छोड़ दो, हो सकता है कि वो वापस देख सके। तूफान के सामने का इंतजार करो, कोई मदद करो। क्या है? नीचे पानी भर रहा है। तो फिर नीचे जाओ और बाहर निकलना शुरू करो। ठीक है। अगर हम किसी तरह नीना को डूबने से बचाने में सफल रहे तो ये प्रभु की हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी, और अगर हम लोग लौटने तक सुरक्षित रहे तो हम सब लोग मिलकर तीर्थ यात्रा पर जाएंगे ग्वाडालूप। ठीक है दोस्तों, हम बहुत ही सम्मान के साथ ये सब करेंगे। हम में से जिसके पास ही क्रॉस का चिन्ह आएगा वही इंसान तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा। शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये मुश्किल काम करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मेरे ऊपर सौंपी है। हा, मुझे यकीन है ये इशारा है जो हमें इस तूफान से निकालेगा। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कहीं हम समुद्र में डूब ना जाएं। मेरे इस अभियान के सारे दस्तावेज गुम जाएंगे। दस्तावेज के दो सेट बनाए, उन्हें मोम से मैंने कसकर बांध दिया, दो बैरल में से पैक कर दिया। मैंने एक बैरल को समुद्र में फेंक दिया और दूसरे को सबसे ऊपर टी डेक पर, कि अगर सब कुछ खत्म हो भी जाता है तो वो डेक की सतह पर तैरता रहेगा, और अगर हम सब इस तूफान में खत्म भी हो जाते हैं तो समुद्री सफर के दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहेंगे। जैसा कि मैं जानता हूं कि किसी का भी बिल्कुल ठीक ठाक पहचानना नामुमकिन सा है, जैसा कि चिपांगों की खोज में विशाल सागर के बीच में होना चाहिए था।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये चर्च अमीर लोगों के लिए है। बहुत अजीब बात है, हमें अब तक खबर मिल जानी चाहिए। पिंटा कहाँ है अब तक किसी को पता नहीं चला है, कोस्ट लाइन में भी नहीं। ये कुछ अजीब है फादर, मेरा विश्वास था पिंटा हमसे पहले यहाँ पहुँचेगा। जब मैं टापू पर पहुँचा तो मुझे सूचना मिली कि वो आप लोगों के पास पहुँचने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक हों। हाँ मैं भी। एडमिरल कोलंबस, पिंटा को हमने देखा है, वो उस तट पे आया हुआ है। अच्छी खबर है, चलो जाकर पिंटा को मुबारक देते हैं। तुम्हें क्या लगता है सही में पिंटा है? नहीं वो नहीं हो सकता। स्वागत है तुम्हारा एडमिरल। शुक्रिया मेरे दोस्त। कैप्टन पिंजॉन कहाँ पर हैं? उधर है, देखो। मुझे देखने दीजिए। कैप्टन पिंजॉन, इनकी हालत इतनी खराब कैसे हुई? मेरा प्यारा भाई बुखार से पीड़ित है। जब वो जहाज पर था तो तूफान आया, मैंने उनसे कहा कि हमें वापस जाना चाहिए, पर उन्होंने इनकार कर दिया और उसी की वजह से आज इनकी ये हालत है। अब इनके शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि खड़े होकर चल सकें या फिर किसी से बात कर सकें। इनकी हालत को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इन्हें यहाँ से निकाल कर टापू के वैद्य के पास ले जाना। एडमिरल सही कह रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, अभी तो जवान है वो, हम क्या कर सकते हैं। चलो पिंटा के लिए प्रार्थना कर ले। माफ कीजिएगा जनाब, शाही परिवार आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको अभी इसी वक्त बार्सिलोना जाना पड़ेगा। ठीक है। पिंजॉन मेरे दोस्त। मैं राजा और रानी से मिलकर तुम्हारी साहस भरी इस कहानी के बारे में जरूर बताऊंगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और अपनी साहस की कहानी अपनी ही जुबानी उन्हें बताओगे। मेरी कहानी उन्हें बताना, ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल है। ऐसा मत कहो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आप बिल्कुल ऐसा मत कहिए। मैं अपने इस हार को महारानी इजाबेला को देना चाहता हूं। कैप्टन पिंजॉन, 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 क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, मुझे लगता है कि वो अब नहीं रहे। राजा और महारानी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। ये जानकर आपको खुशी होगी कि मेरा सफर इंडीज की तरफ सफल रहा। एडमिरल, आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया हमारी महारानी। एडमिरल कोलंबस, हम आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देते हैं। आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे। आपने अपनी मेहनत से
और संघर्ष करके आखिर मंजिल को पा ही लिया और अपने मजबूत इरादों से अपने सपनों को साकार किया। हमें आप पे गर्व है कैप्टन कोलंबस। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी आपके इन शब्दों के लिए। मैं आपकी आपसे भी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कैप्टन कोलंबस। मैंने और महाराज ने यह तय किया है कि हम आपको इंडीज की तरफ जाने का एक और मौका देंगे। आपका क्या जवाब है कैप्टन कोलंबस? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी महारानी। शायद तुम ये बात जरूर जानते रहोगे कि पोर्चुगल के राजा हमारे साथ पानी में दौड़ लगाने की चेतावनी दी गई है। अब वो इस वक्त नहीं है, वो ईस्ट अफ्रीका में है। मुकाबला शुरू हो चुका है उनके और हमारे देश के बीच में। मैं चाहता हूँ कि तुम ये मुकाबला जरूर जीते और देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दे। आप इस काम के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार है ना कैप्टन? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। एडमिरल, कहिए। एशिया का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? वैसे तो ठीक है, सबसे आसान तरीका एशिया तक पहुँचने का, जहाँ सूरज ढलता है उस तरफ। क्या तुम ये याद रख पाओगी? इस बार जब आप जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। हाँ? अनजाने रास्तों पर सफर करना आसान नहीं होता। कितनी खुशी की बात सच है कि वो इंडीज से बहुत सारा पैसा और सोना लेकर आए हैं। बहुत पैसा, हमने इंडीज में बहुत पैसा कमाया, वहाँ से हम बहुत सारा सोना लेकर आए, बहुत सारा। ओह एडमिरल, आपसे मिलना सच में सम्मान की बात है। सम्मान? किस सम्मान की बात कर रहे हो, वो भी एक साधारण नाविक को? और ऐसा तुमने क्या किया है जिससे तुम्हें गौरव प्राप्त हो कोलंबस? क्या मैं जान सकता हूँ जिस इंसान से वार्तालाप कर रहा हूँ, वो श्रीमान कौन है? मेरा नाम डोमिनिलियो पिगेरा है और मुझे लगता है कि इंडीज जाकर भी तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आप ऐसा कैसे? कोई भी कर सकता है जैसा तुमने किया है। हम भी पूरी दुनिया घूम चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं एक नाविक नहीं हूँ, फिर भी जैसा इन्होंने किया है वैसा मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी कर सकता हूँ, मेरा डॉग भी। तो फिर क्यों ना इस बात को यहीं पर रख लें? आसान है। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप इस अंडे को दोनों किनारों के बल पर सीधा मेज पर खड़ा करें। आप ये कर सकते हैं? ये क्या बात हुई, ये तो कोई बेवकूफ भी कर सकता है। तुम जाओ। हाँ? ओ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, हो सकता है इस बार। कहने के लिए बहुत आसान है। मुझे लगता है ये कोई एडमिरल की चाल है। मुझसे मत कहिएगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, और ये तुमसे भी नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ। करके दिखाओ अभी। देखा आपने, मैंने कर दिखाया। ये तो बेईमानी है। अगर तुम अंडे को इस तरह से तोड़ दोगे तो ये तो मुमकिन है कि ये हो ही जाएगा। सही कहा, किसी भी परेशानी का समाधान तब तक आसान लगता है जब तक उसे कोई और ढूंढता है। जिस तरह आप सभी लोगों ने ये मुकाबला देखा, करना कितना आसान था। आपने तो सबका मुंह ही बंद कर दिया। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बस मैं पहुंचने वाला हूं। मैंने वादा किया उन सभी लोगों से कि मैं इस काम को पूरा करूंगा। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो मेरा साथ दे। नीना को तूफान से बचाने के लिए हमने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी और उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। पच्चीस सितंबर 1493 को हमने एक बार फिर से दूसरी कोशिश की इंडीज तक पहुंचने की। मेरी निगरानी में 17 जहाज और 1500 नाविक थे। हमारे शहर के सभी लोग वहां पर मौजूद थे हम सभी को शुभकामनाएं देने के लिए।
रविवार 3 नवंबर को हम पहली धरती पर पहुंचे जिसका नाम हमने डोमेनिका रखा, और वहां से हमारा जहाजी बेड़ा दूसरे टापू पर पहुंचा जिसका नाम हमने ग्वालालूप रखा, और फिर ये कारवां पेनिनसुला से होता हुआ नवाडा तक पहुंचा। हमारी खुशी बढ़ते हुए वक्त के साथ और बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद हम एक ऐसे टापू पर पहुंचे जहां पर हमने कुछ ऐसा देखा जिसका अनुभव हमने आज से पहले किसी भी टापू पर नहीं किया था। उस टापू पर मिले निशानों से ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि वहां के लोग बहुत ही लालची और क्रूर हैं। और जानकारी करने पर ये बात मालूम हुई कि इस टापू के लोगों ने नवाडा के निवासियों पर हमला किया और वहां पर 39 लोगों को जान से मार डाला, जिसमें कुछ हमारे परिचित भी थे। मेरे नेतृत्व में कुछ लोगों ने काम किया, पर उनकी मांगे वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं। जहाजी बेड़े के अधिकारी होने के तौर पर मेरे पास कोई ऐसा चारा नहीं बचा था कि मैं उन्हें समझा सकूं। तो मैंने एक फैसला किया और अपनी जहाजी बेड़े को दूसरे टापू की ओर चलने को कहा। मुझे एक बहुत ही बड़ा टापू मिला जिसका नाम मैंने क्यूबा रखा। छोटे और बड़े कई तरह के टापुओं को खोजने के बाद भी मेरा सपना अधूरा था। मैंने इंडिया के बारे में सिर्फ सुना था और उसे पाने की खोज अब भी मेरे मन में थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं वहां कब पहुंचूंगा। इस पूरे सफर के दौरान जो भी देश या टापू मेरे सामने आए, वहां पर सोने का नामो निशान नहीं था। मैं निराशा के साथ स्पेन लौटा और मैंने महाराजा और रानी को ये बात बताई, लेकिन वो भी नाउम्मीद थे क्योंकि ना तो मुझे सोना मिला था और ना ही कोई नायाब खजाना। मेरे सफर की सच्ची कहानी को कोई भी नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसमें सिर्फ निराशा थी। 30 मई 1498 को मैंने अपना तीसरा सफर शुरू किया। मुझे उम्मीद थी कि इस बार मैं कुछ ना कुछ लेकर जरूर लौटूंगा, लेकिन जिस टापू पर मैं पहुंचा वहां मैंने सिर्फ आग की लपटें देखी। उस टापू पर पहले से ही किसी का अधिकार था। मैं नहीं जानता था कि मुझे तीसरी बार भी निराशा हाथ लगेगी। वहां के अधिकारियों ने मुझे बंदी बनाकर स्पेन की तरफ वापस लौटा दिया। इस हादसे ने मेरी काबिलियत और गरिमा को कुचल कर रख दिया। कई हफ्तों के बाद मैंने एक बार फिर से पत्र लिखकर महाराज और महारानी से चौथी बार समुद्र यात्रा के लिए अनुमति मांगी। मेरी चौथी और आखिरी यात्रा 9 मई 1502 को शुरू हुई। समुद्र में आए तूफान ने मेरी इस चौथी यात्रा को यहीं विराम दे दिया। कड़ी निराशा के साथ मुझे वापस स्पेन लौटना पड़ा। 7 नवंबर 1504 मेरी जिंदगी का बहुत ही दुख भरा दिन था। मैं स्पेन की धरती पर बहुत ही निराशा के साथ वापस आ चुका था। 2 साल बाद मुझे भूगोल शास्त्री और समुद्री वेदताओं से पता चला कि जिस धरती को मैं इंडीज समझता रहा वो कोई और धरती थी, और उस धरती को उन लोगों ने न्यू वर्ल्ड का नाम दिया था। बीतते हुए वक्त से मैंने ये जाना कि अनुमान कभी भी पूरे तरीके से सही नहीं हो सकते। मई 1506 मेरा जीवन अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ चुका था। मेरा सपना अधूरा रह गया था। मैंने सुना था कि वास्को डिगामा ने उस इंडिया को ढूंढ निकाला जो जीवन भर मेरे सपनों में रहा। कई बार इंसान जिंदगी में बहुत कुछ पा लेता है, लेकिन अपने सपनों को पाना हर बार मुमकिन नहीं होता। मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा के हवाले कर दिया। इस पूरी जिंदगी में मैंने बस एक ही बात सीखी है कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव हों, इंसान को अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। समुद्र की वो लहरें मुझे जिंदगी भर पाठ पढ़ाती रही कि इंसान को अपनी सोच तूफान से आगे रखनी चाहिए।